दोस्तों आप यहाँ पर थंबनेल को बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरा सीख के जाना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरीके से थंबनेल को बनाना सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हमें थंबनेल लगाना पड़ता है, जिससे लोग हमारे वीडियो पर क्लिक करें और हमारे वीडियो पर व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितना बढ़िया आपका थंबनेल होगा, लोग उतना ही आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे और इससे आपका व्यूज बढ़ेगा और इससे आपका चैनल भी साथ में तेज़ी से ग्रो करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए पूरा डिटेल से आपको समझाते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में सबसे बढ़िया थंबनेल बनाने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। इससे आप बढ़िया से बढ़िया एकदम थंबनेल अपने वीडियो के लिए बना सकते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में एक ही ऐसा पिक्सल लैब ऐप होता है जिससे आप बढ़िया से बढ़िया थंबनेल अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से बढ़िया एकदम HD क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद अब बारी आती है कि थंबनेल साइज लेना है। दोस्तों यहाँ से आप थंबनेल का साइज ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज साइज। इसके बाद आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप कस्टम देख पा रहे होंगे, इसके बाद आपको कस्टम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाते हैं, जैसे कि कस्टम स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, ये तमाम सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। तो आपको थंबनेल बनाना है तो आप थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका थंबनेल साइज का जो फोटो है वो खुल चुका है। दोस्तों इसके बाद आपको कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आप बीच में थंबनेल के बीच में न्यू टेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। इसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये इसका साइज बड़ा है तो यहाँ से आप साइज भी ले सकते हैं। इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप साइज भी देख सकते हैं। इसके बाद साइज पर क्लिक करिए, इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद इसको खींच दीजिए, ये एक सीधे में हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करना है, जिस स्टाइल को आप लेना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट कलर लेना चाहते हैं, यहाँ पर फॉन्ट आप ले सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। इसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा जो आप टेक्स्ट लिखे थे वो अच्छे से हो चुका है। अब इसको कलर करना है तो इसको स्क्रॉल कर दीजिए, यहाँ पर कलर आप देख पा रहे हैं, इस कलर पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो मर्जी चाहे वो कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेड चलिए अच्छा होता है कलर, उसको मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ये रेड हो गया। अब इसको अगर बैकग्राउंड देना है इसके पीछे फॉन्ट के आपको, तो यहाँ से स्क्रॉल करिए। इसके बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, टी लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसको इनेबल कर दीजिए, ये पूरा बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद पीला बैकग्राउंड डाल दीजिए, जो मन कहे आप जो कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में आप यहां से दे सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद आप जैसा भी करना चाहते हैं सब आपके हाथ में ही है। यहां से आप जो भी बैकग्राउंड कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका पूरा अच्छे से लिख चुका है, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, ये टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आप अपने थंबनेल का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर आना होगा। इसके बाद इसको टच करिए, फिर यहाँ पर आप कलर देख पा रहे हैं पहले नंबर पर, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद कलर पर क्लिक करिए, इसको रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो होता है ब्लैक, तो ब्लैक में कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, अगर आप यहाँ पर कुछ फ़ोटो बीच में लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपने थंबनेल पर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं चलिए इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद अब आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। चलिए मैं इम्पोर्ट पर चला जाता हूँ। इसके बाद इम्पोर्ट पर जाने पर आपका गैलरी ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से आप कुछ भी फ़ोटो को ले सकते हैं, जैसे कि मुझे ये फ़ोटो लेना है तो यहाँ से मैं ये फ़ोटो को ले रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप इसको जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको क्या करना है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो
तो फिर आप टेक्स्ट में जाइए, यानी कि जो लिखने वाला काम होता है वो आपका टेक्स्ट में होता है। अगर आप कुछ इमेज पर कलाकारी करना चाहते हैं तो आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपके फ़ोटो पर कलाकारी होगी। जो भी कलाकारी आप यहाँ से करना चाहते हैं अपने फ़ोटो पर, आप कलाकारी यहाँ से बीच में से कर सकते हैं, फ़ोटो को इधर उधर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद इसको बीच में लाना है तो यहाँ से कर दीजिए, आप जो मर्जी चाहे इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से कर दीजिए, आप छोटा बड़ा जो भी आपका मन करे यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ऐसे कर दीजिए, यानी कि जो मर्जी चाहे आप यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर कोई भी फ़ोटो पर कलाकारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ साइज लेना है या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर आपको टच करना होगा। यहाँ से आप थंबनेल के बैकग्राउंड पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप थंबनेल के फ़ोटो पर काम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ से आप थंबनेल पर थंबनेल के फॉन्ट पर यानी कुछ जो कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ और लिखना है तो यहाँ पर इस ए वाले ऑप्शन पर जाइए, इसके बाद टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट कॉर्नर में आ जाएगा, इसके बाद इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो मर्जी चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है कि थंबनेल बनाना सीखें, समय बनाना सीखें, ये देखिए मैं लिख दिया। अब इसको जो अब यहीं से मतलब ए वाले ऑप्शन पे जो लिखने पढ़ने का काम होता है, जो इस यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो कुछ आपने लिखा है इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप साइज ले सकते हैं, यानी लिखने पढ़ने का काम आप यहाँ से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, ये देखिए मैंने फॉन्ट ले लिया। इसके बाद इसको आप बीच में करना चाहते हैं तो बीच में ऐसे कर दीजिए, यानी कि लिखने का काम यहाँ से होगा, फ़ोटो पर कलाकारी यहाँ से होगी, और फोटो थंबनेल के बैकग्राउंड पर आप यहाँ से कलाकारी कर सकते हैं। इसके बाद बीच में अगर कुछ लगाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यहाँ से आप शेप लेना ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर शेप वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया, शेप ले लीजिए कोई जो भी शेप आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद अब आपको कुछ और फ़ोटो लेना है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट से जाके आप यहाँ पर कोई और पिक्चर ले सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसको छोटा बड़ा आप इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप यहां से फिर इंपोर्ट करके ले सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो यहां टेक्स्ट में आ जाइए, इसके बाद लिख दीजिए थंबनेल बनाओ व्यूज पाओ, थंबनेल बनाओ व्यूज पाओ, यहां से आप इसको अब फिर फॉन्ट में चले जाइए। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से आप कोई फॉन्ट ले सकते हैं, फिर इसको साइज छोटा बड़ा कर दीजिए यहाँ से, जो मर्जी चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पर ही बहुत आसानी से मोबाइल के साथ ही आप थंबनेल को बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब की मदद से बढ़िया थंबनेल एकदम HD क्वालिटी का बना सकते हैं। इससे बढ़िया कोई एप्लीकेशन अभी तक मौजूद नहीं है जो आपके फ़ोन से आपके थंबनेल को अच्छी तरीके से बना सके। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन से थंबनेल को अच्छी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। बस पिक्सल लैब ओपन करो, जहां ना समझ में आए आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो बना के कि पिक्सल लैब का पूरा यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं जितनी आसानी से मैंने आपको बताया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको 20 से 30 मिनट का वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं 20 से 30 मिनट का वीडियो बना दूं तो आपको ज़्यादा लगेगा तो आप टच नहीं करेंगे मेरे वीडियो पर, इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही जल्दी से ये बता दिया हूँ कि कैसे आप YouTube थंबनेल को अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छे तरीके से बना सकता हूँ, किस ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ है मैंने आपको बता दिया है। इस हिसाब से इसकी मदद से आप अपने थंबनेल को बढ़िया सा बढ़िया बना सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप YouTube टिप्स की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इस तरह की YouTube टिप्स की वीडियो अपलोड लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।